हाय स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द दिस फार्मेसी। तो आज हम हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। रेस्पिरेशन होता क्या है पहले हमें पता होना चाहिए। एक्सचेंज होना गैसेस का, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, एटमोसफेयर से और बॉडी सेल्स में, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या होता है, ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं, उसे हम अंदर ले रहे हैं बाहर एटमॉस्फेयर से, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर रहे हैं, मतलब उसको बाहर निकाल रहे हैं अपनी बॉडी में से, ठीक है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर बाहर आना जाना और एक्सचेंज होना बाहर के एनवायरनमेंट में और हमारी बॉडी में, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ओके, फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितनी तरह की रेस्पिरेशन होती है, दो आ जाती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल क्या हो गई, बाहर, एक्सटर्नल होता है ना बाहर, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकरिंग बिटवीन एटमोसफेयर एंड ब्लड टेकिंग प्लेस इन द लंग्स इज डिस्क्राइब्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या हो गया, जो भी एक्सचेंज हो रहा है गैसेज का, मतलब ऑक्सीजन बॉडी में आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, है ना। तो ये क्या है, एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का जो एटमॉस्फेयर से और ब्लड में, ठीक है, बिट जो कहाँ पर हो रहा है, लंग्स में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, लंग्स में, एल्वेलाई है गैसेस एक्सचेंज की साइट, वहाँ पर जो परफॉर्म हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। इंटरनल की बात करें तो एक्सचेंज होना गैसेस का, जो कि ब्लड, यहाँ से जो ब्लड लेके गया अब वो कहाँ लेके जाएगा, बॉडी सेल्स तक लेके जाएगा, ऑक्सीजन देगा उनको, तो उस टाइम जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है उनको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। मतलब लंग्स में जो हो रहा है वो कौन सी हुई, एक्सटर्नल हुई, ठीक है, और जो ब्लड और बॉडी सेल्स में हुई वो कौन सी हुई, इंटरनल। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब के पार्ट्स क्या क्या हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, नोज, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वेलाई, लंग्स, प्लूरल लेयर्स कवरिंग जो लंग्स की हैं, पेराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। मेन रेस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन से, डायफ्राम है और इंटरकोस्टल मसल्स है, ठीक है, जो हमारे रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। तो ये हमारे क्या हैं, पार्ट्स हैं किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो ऐसा सा दिखता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये रहा नोज, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। नोज़ के बाद कहाँ जाएगी, एयर फैरिंग्स में जाएगी, फैरिंग से कहाँ जाएगी, लैरिंग्स में जाएगी, लैरिंग से कहाँ जाएगी, ट्रेकिया में, ट्रेकिया से कहाँ जाएगी, इधर ब्रोंकाई, राइट लंग और लेफ्ट लंग में चली जाएगी, ठीक है। ये ब्रोंकाई आगे फर्दर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये ब्रोंकियोल्स में चली जाएगी और आगे जो ये एयर सैक्स प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं एल्वेलाई। नीचे डायफ्राम गिवन है, ये रहा डायफ्राम हमारा, ठीक है। और क्या, ये जो बाहर की लेयर है वो पेराइटल है और जो अंदर की लेयर है वो विसरल है, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। अब बात करेंगे नोज़ की, तो ये फर्स्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, है ना, क्योंकि नाक से ही आप लोग सांस लेते हो, जहाँ से एयर बॉडी में एंटर होती है। नोज़ इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल भी आपको नोज़ से ही आती है, ठीक है, कैसी है, बदबू है, अच्छी खुशबू है, है ना। द नोज़ इज़ लाइंड विद वेरी वैस्कुलर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम, किससे लाइंड है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम, मतलब यहाँ पे सीलियाज प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट है उसको क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अपने अंदर दबा लेंगे, तो आगे क्रॉस नहीं होने देंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है नोज़ के, एक तो फिल्ट्रेशन, एयर की फिल्ट्रेशन कर रहा है, वार्म कर रहा है, गर्म कर रहा है एयर को, और मॉइस्चर, थोड़ा हल्का हल्का नमी प्रोवाइड कर रहा है किसको, एयर को। अब हम बात करेंगे फैरिंग्स की। फैरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ बोथ रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों का ही पार्ट है, कौन, फैरिंग्स, ठीक है। अगर एनाटॉमिकली देखें, ठीक है, फैरिंग्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड लेरिंजियोफैरिंग्स। नेजोफैरिंग्स की बात करें तो ये वो पार्ट है फैरिंग्स का जो कि सबसे नियरेस्ट है टू द नेजल कैविटी, नाम से पता लग रहा है नेजो, तो आप रिलेट कर सकते हो कि जहाँ पे नाक जस्ट खत्म हो रहा है, जैसे यहाँ पे नाक ख़त्म हो रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा हुआ, कौन सा हुआ, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। फिर है ओरोफेरिंग्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फेरिंग्स प्रेजेंट बिहाइंड द ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी के पीछे है। अब माउथ ये रहा हमारा, यहाँ से माउथ है, तो इसके पीछे जो ये पार्ट प्रेजेंट है ये कौन सा हुआ हमारा, ओरोफेरिंग्स। उसके बाद लेरिंजियोफेरिंग्स, वो फेरिंग्स का पार्ट है जो कि नियरेस्ट है टू द लैरिंग्स, लैरिंग्स के पास है, लैरिंग्स यहाँ पे है, तो इसके पास ये जो पार्ट है ये कौन सा हुआ हमारा, लेरिंजियोफेरिंग्स, ठीक है।
फिर है फंक्शंस. अब इसके काम क्या है, एक तो वही वार्म कर रहा है, गर्म कर रहा है, थोड़ी सी नमी प्रोवाइड कर रहा है जो भी हम हवा अंदर ले रहे हैं, ठीक है. फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है. फेरिंजियल टॉन्सिल्स, यहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट है जिनको हम एडीनोइड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एडीनोइड्स. वो क्या करते हैं, जो भी पैथोजन है उसको किल कर देते हैं ताकि वो बॉडी में एंटर ना हो, ठीक है. और उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन भी है फेरिंग्स का, एज वेल एज डाइजेस्टिव फंक्शन भी है परफॉर्म करता है, ओके. अब है हमारे पास लेरिंग्स. लेरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स. हमारी जो आवाज़, मैं बोल रही हूँ तुम सुन रहे हो कहाँ से, सॉरी मेरी आवाज़ कहाँ से निकल रही है, वॉइस बॉक्स से निकल रही है, साउंड बॉक्स से निकल रही है, वो क्या है, लेरिंग्स है, ओके. लेरिंग्स कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वोकल कोड्स, जिसमें क्या है, वोकल कोड्स प्रेजेंट होती हैं. वोकल कोड्स हमारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं आवाज़ें प्रोड्यूस करने के लिए. द लेरिंग्स इज सपोर्टेड बाई अप्रॉक्सीमेटली 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेजेस से. जो लेरिंग्स है वो सपोर्टेड है, कौन कौन सा, एक है थायराइड कार्टिलेज, दो है एरिटेनॉइड कार्टिलेज, एक है क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है, दो है क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निकुलेट, ठीक है, एक एक हीच, फिर एक एपिग्लॉटिस है और एक हायोइड कार्टिलेज है. तो ये हमारे कुछ कार्टिलेजेस हैं जिससे लेरिंग्स हमारा सपोर्टेड है, ओके, अपनी जगह पर प्रेजेंट है. अब फंक्शंस, क्या क्या काम है लेरिंग्स के. लेरिंग्स एक पैसेज की तरह एक्ट करता है फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में, है ना, पता ही है ना हमें, डायग्राम में हमने देखा ही था कि जो लेरिंग्स है वो हमारा काम कर रहा है, हवा को लेके जा रहा है फ्रॉम द फेरिंग्स टू द ट्रेकिया, है ना. ट्रेकिया ये रहा, फेरिंग्स उसके ऊपर था, बीच में है ये बिल्कुल, ओके. द एयर इज़ फर्दर वार्म्ड. अब एयर क्या है, फर्दर वार्म हुई है, ठीक है, इसी में ही मॉइस्ट होगी, नमी मिलेगी उसको और फिल्टर होगी, ये काम तो होगा ही, ठीक है. जो वोकल कोड का अरेंजमेंट है लेरिंग्स में वो आवाज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है. और जो कार्टिलेजेस हमने पीछे 9 पढ़े हैं वो क्या करते हैं, स्वेलोइंग में हेल्प करते हैं और अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि खाना नीचे जा सके, ओके. फिर है स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. अब लंग्स पढ़ते हैं जी, होते क्या हैं, ये हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर है, ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग है, ट्रैकिया से यहाँ ब्रोंकाई डिवाइड हो रही है, ठीक है, फिर लोब्स में डिवाइड है, फिर प्लूरा गिवन जाए, आगे एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं. लंग्स आर 2 इन नंबर, दो होते हैं नंबर में, मतलब पेयर ऑफ लंग्स है हमारे पास, ओके. एंड द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये हमारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेशन के. ये हमारे कोन शेप के हैं, कैसे हैं, कोन शेप के विद एपेक्स अबव, इनके ऊपर क्या है, एपेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है. द बेस ऑफ लंग इज रेस्टिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द थोरेसिक कैविटी दैट इज डायाफ्राम. जो लंग्स हैं वो किसके ऊपर हैं, डायाफ्राम के ऊपर हैं, डायाफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. द राइट लंग हैज़ 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग हैज़ 2 लोब्स. जो राइट लंग हैं देख रहे हैं हम, ये एक पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, 3 लोब्स में डिवाइड है और ये 2 में ही, पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, ठीक है, ये लेफ्ट लंग 2 में डिवाइड है. ईच लोब इज़ कम्पोज ऑफ नंबर ऑफ लोब्यूल्स एंड कंटेन स्मॉल ब्रोंक्योल्स. हर एक जो लोब है उसमें बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट है और स्मॉल ब्रोंक्योल्स भी प्रेजेंट है. लंग टिश्यू कैसा है, इलास्टिक पोरस है और स्पॉन्जी है नेचर में. द लंग टिश्यू इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स इसको सप्लाई दे रही हैं, ठीक है, और डबल सीरस मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिनको हम प्लूरा बोलते हैं. पढ़ चुके हैं प्लूरा दो तरह की है, पेराइटल प्लूरा जो आउटर है और विसरल प्लूरा जो इनर है, डायग्राम में देख चुके हैं हम, ठीक है. इनके बीच में क्या होता है, प्लूरल लेयर्स के बीच में सीरस फ्लूड होता है जो कि उस सरफेस को ल्यूब्रिकेट रखता है, गीला रखता है और फ्रिक्शन नहीं होने देता लंग्स के बीच में. जब भी हम इंस्पायर या एक्सपायर, जब भी चेस्ट मूव करती है तो फ्रिक्शन की वजह से टियर अप ना हो तो वो फ्लूड प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं क्या, प्लूरल फ्लूड बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे, प्लूरल फ्लूड, ओके. फिर है फंक्शंस ऑफ लंग. अब लंग्स का काम क्या है, मेन ऑर्गन है हमारे रेस्पिरेशन के, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, यही काम है ना लंग्स का. अब है मैकेनिज्म प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ब्रीदिंग, ठीक है, कैसे हम सांस लेते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो सारा पढ़ते हैं, ठीक है. एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ लंग्स शो दैट अ रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड एक्सटर्नल एयर. एक्सपेंशन होती है, ठीक है, एक्सपैंड होती है, कंट्रैक्ट करते हैं हमारे लंग, वो रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. हाँ पता ही है, सांस लेते हैं हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, सांस छोड़ते हैं हम नीचे आते हैं, ठीक है, तो वो एल्वियोलाई और एक्सटर्नल एयर के बीच में वो चीज़ तो चल ही रही है, ठीक है. ये किस पे डिपेंड करता है, कैसे हमारी प्लूरा अरेंज है, ठीक है, कितने रिलैक्स हैं हमारे इंटरकोस्टल मसल्स और हमारा डायफ्राम कैसा है, ठीक है. अप्रॉक्सीमेटली 15 साइकिल्स ऑफ रेस्पिरेशन, 15 बार हम सांस लेते हैं पर मिनट इन एन एडल्ट ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है. वैसे एवरेज होता है
15 to 24 or 26, इतना एवरेज होता है पर मिनट. ओके, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व थ्री स्टेजेस. इसके अंदर थ्री स्टेजेस आती हैं, कौन कौन सी. फर्स्ट है इंस्पिरेशन. इसमें क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है इंस्पायर करना, मतलब आप एयर को अंदर ले रहे हो. इस स्टेज में क्या होता है, जो लंग का प्रेशर होता है वो कम होता है देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो जिसकी वजह से क्या होता है, डायफ्राम हमारा रिलैक्स हो जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं. ओके, अब इस रिलैक्सेशन की वजह से एयर को फोर्स किया जाता है वो लंग्स में आए, ठीक है, थ्रू द रेस्पिरेटरी पैसेज. एंड साइज ऑफ थोरेसिक ग्रेविटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस, बढ़ जाता है साइज, क्योंकि जब कोई चीज़ रिलैक्स है, नॉर्मल स्टेज पर है वो, है ना. ड्यू टू एंट्री ऑफ एयर इन द लंग्स, दिस इज नोन एज इंस्पिरेशन. ओके, मतलब आपने एयर इंस्पायर करी और इस टाइम जो लंग में प्रेशर है वो लेस है देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर. ओके, फिर बात करेंगे एक्सपिरेशन की. एक्सपायरेशन में क्या होता है, द प्रेशर विद इन द लंग, अब प्रेशर लंग्स में ज़्यादा हो गया देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो हम एक्सपायर करेंगे, ठीक है. इसमें जो है वो डायफ्राम अपवर्ड की तरफ चला जाता है और एक प्रेशर एग्जर्ट करता है दोनों लंग्स पे ताकि वो एक्सपायरेशन, मतलब एयर को बाहर निकाल सके, ठीक है. सेम टाइम पर जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं और एयर को फोर्स किया जाता है कि चलो चलो निकलो लंग से बाहर, और एक्सपिरेशन हो जाती है. ओके, फिर आता है पोज. After expiration, there is a little gap called pause, and again second cycle of the respiration takes place. Inspire हो गया, जब आपने अंदर सांस लिया, expire हो गया, बाहर निकाला, उसके बाद एक pause का session आता है जिसमें cycle रुक जाती है. Just after, we can say the fractions of second, ये फिर से start हो जाती है. Okay. अब है हमारे पास टिश्यू रेस्पिरेशन टॉपिक. टिश्यू रेस्पिरेशन क्या है, एक्सचेंज है ना गैसेस का बिटवीन द सेल्स और द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड ब्लड. सिंपली किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरनल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. किसकी कर रहे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, फिजियोलॉजी ऑफ टिश्यू रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन, ये डायग्राम है, समझते हैं हुआ क्या, फिर इस पे आके देखेंगे. ओके, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी बाई आर्टरीज विच फर्दर डिवाइड इंटू आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स, ठीक है. हमें बोला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हार्ट अब लेफ्ट वेंट्रिकल निकालता था ब्लड ऑक्सीजनेटेड, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जाता है, आर्टरीज लेके जाती हैं, जो कि फर्दर आगे आर्टरीज, स्मॉलर आर्टरीज या आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है. एक्सचेंज होता है गैस का बिटवीन द आर्ट्रियल एंड ऑफ द कैपिलरी एंड द टिश्यू फ्लूइड. कहाँ का होता है, जो कैपिलरी हमारा एंड होता है, ठीक है, और जो टिश्यू फ्लूइड होता है उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है. सिंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम मैक्सिमम होती है, क्योंकि अभी तो एक्सचेंज होना ही है, ठीक है. आर्टीरियल ब्लड में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम होती है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है इन टू द टिश्यू फ्लूड एंड देन इट इज सप्लाई टू द टिश्यूज इन द सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है. देखो अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन सारा उसमें से निकल के बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है. तो ये आर्टरीओल्स में हो रहा है, ये हमारा ब्लड कैपिलरी में दिखाया हुआ है, ये हमें वेन्यूल्स में दिखाया हुआ है कि क्या सिनेरियो होगा. ये हमारा सेल है और ये हमारा टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है. तो ऐसे ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाएगा बिटवीन द टिश्यू और द आर्टरी. ओके, ऑन द अदर हैंड कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम इन टिश्यू फ्लूइड, ठीक है. टिश्यू फ्लूइड में अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी, जिसकी वजह से CO2 डिफ्यूज इनसाइड द ब्लड कैपिलरीज एंड द ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड विच इज कैरिड बाई वेन्यूल्स इन द वेन्स. अब जो टिश्यू फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक है. बाहर किस में जाएगी, वेन्स में चली जाएगी. वेन्स हमारे फिर से हार्ट तक उस ब्लड को लेके चले जाएंगे, ठीक है. क्या है, आर्टरीज में हमारे थी ऑक्सीजन, देखो आर्टरीओल में क्या थी, ऑक्सीजन थी. ऑक्सीजन गई हमारी टिश्यू फ्लूइड में, ठीक है. टिश्यू फ्लूइड से कहाँ गई, टिश्यू फ्लूइड से कहाँ गई, सेल्स में चली गई. अब वहाँ की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आई, बाहर आई, बाहर आके कहाँ, वेन्स में चली जाएगी, और वेन्स फिर से हार्ट में सप्लाई कर देंगे फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड. ओके, इन दिस वे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो होता है बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैरी करता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन और कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में. क्या होता है, जब हमारा हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो HbO2 बना लेता है, दैट मीन्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन. और जब हमारा हीमोग्लोबिन बाइंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वो हमारा HbCO2 बना देता है, मतलब कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बना देता है. ओके, अब है हमारे पास कुछ नॉर्मल वैल्यूज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या फिर रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स. दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है.
क्या है, सबसे पहले वाइटल कैपेसिटी. क्या है वाइटल कैपेसिटी? क्या लिखा है वाइटल कैपेसिटी में? कि वॉल्यूम ऑफ एयर जितनी हम पास करवाते हैं इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स बाय मोस्ट फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी. क्या होता है, जितनी आप अमाउंट ऑफ एयर पास करवा सकते हो, या तो आप अंदर लोगे फोर्सफुली इंस्पायर करो, एक लंबी गहरी सांस लो तो मैक्सिमम एयर आप कितना कर सकते हो अंदर, या फिर आप बहुत ज़ोर से बाहर निकालो हवा को अपने अंदर से, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी. क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी. नॉर्मल वैल्यू कितनी है इसकी? 3 से 5 लीटर है. ठीक है, फिर आता है टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर जो आप इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हो एक ऑर्डिनरी ब्रीदिंग में. अब मैं पढ़ाते पढ़ाते सांस ले रही हूँ, तो जितना मैं अमाउंट अंदर ले रही हूँ बाहर दे रही हूँ सांस का, तो वो क्या हो गया? टाइडल वॉल्यूम. तो इसका अमाउंट कितना होता है नॉर्मल? 500 ml है. ठीक है, फिर है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब इंस्पिरेटरी है इंस्पायर करते से रिलेटेड, रिजर्व होगा द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीद इनसाइड एंड अबव द टाइडल वॉल्यूम बाई डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पिरेशन इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नॉर्मली आपने टाइडल वॉल्यूम जितना तो एयर ले लिया नॉर्मल, प्लस आप फोर्सफुली कितना आप इंस्पायर कर सकते हो और कितना अंदर ले सकते हो सांस को, तो उसे बोलते हैं हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये कितनी होती है? 1800 से 2000 ml तक की होती है. एक्सपिरेटरी सेम है कि आपने टाइडल वॉल्यूम जितना बाहर निकाल लिया, उसके बाद आप फोर्सफुली कितना और बाहर निकाल सकते हो, वो होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये कम होती है, दैट इज़ 1400 ml तक होती है. ठीक है, फिर है रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल नाम से पता लग रहा है कुछ बचा हुआ है. ठीक है, बचा हुआ तो अमाउंट ऑफ एयर जितना भी रिमेन रह जाता है लंग्स में आफ्टर मोस्ट पावरफुल एक्सपायरेशन इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम. जितना आपने फोर्सफुली, आप जितनी कोशिश मर्जी करके आपने जितना मर्जी एयर बाहर निकाल लिया, फिर भी जो थोड़ी बहुत एयर लंग्स में रह जाएगी उसे बोलते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम. तो यही हमारी बचाती है लंग्स को श्रिंक होने से, वरना एयर तो बाहर निकल जाएगी ना. ठीक है, तो ये कितनी होती है? 1200 से 1500 तक होती है. कितनी? 1200 से 1500 तक होती है. फिर है टोटल लंग कैपेसिटी, की पूरी लंग की क्या कैपेसिटी है. जितनी भी वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम है उसके सम को हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी. ये 6000 liters के इक्वल होती है, सॉरी 6000 ml के इक्वल होती है. ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज टोटल लंग कैपेसिटी. अब हमारे पास है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमें ज़रूरी है सीखनी. सबसे पहले हमारे पास चाइनस्टॉक्स ब्रीदिंग. कौन सी है? चाइनस्टॉक ब्रीदिंग. चाइनस्टॉक ब्रीदिंग कौन सी है? ऐसी ब्रीदिंग में एक अल्टरनेट इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन फॉलोड बाय इंटरमिटेंट एपनिया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. क्या होता है? रेस्पिरेशन देखो बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर एपनिया आ जाएगा, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर एपनिया. ठीक है, फिर ऐसे 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 ज़्यादा ही बढ़ी रही, फिर एपनिया, फिर ऐसे ऐसे. ये पैटर्न होता है किसका? चाइनस्टॉक का. क्या होता है? अल्टरनेट कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी. ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन और फॉलोड बाय साथ साथ क्या होता है? इंटरमिटेंट एपनिया. एपनिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, बिल्कुल बंदा सांस नहीं ले रहा होता है. ठीक है, ये कब प्रेजेंट होता है? कोमा कंडीशन. कोई पेशेंट कोमा का है, पॉइजनिंग हुई है, शॉक में है, हेड इंजरी हुई है, कोई अदर टर्मिनल स्टेज है लाइफ की, तो उस केस में चाइनस्टॉक्स ब्रीदिंग होती है. ठीक है, फिर बात करें ब्रोंकियल आस्थमा. ब्रोंकियल आस्थमा क्या होता है? आस्थमा इज़ अ क्रॉनिक डिसीज इन विच द पेशेंट हैज़ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. आस्थमा एक बीमारी है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है. ठीक है, ब्रोंकियल आस्थमा इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम करेक्टराइज बाय ब्रेथलेसनेस एंड कॉफ ड्यू टू एयरवे रेजिस्टेंस इन द नैरोड ब्रोंकाई. ब्रोंकियल आस्थमा क्या है? एक सिंड्रोम है, एक बीमारी है जिसमें करेक्टराइज कैसे कर सकते हैं? क्या क्या हमें लक्षण देखने को मिलते हैं? ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत आना. ठीक है, खांसी होना. ठीक है, किस वजह से? हमारा कुछ रेजिस्टेंस आई होती है एयरवे में, या हमारे जो ब्रोंकाई है वो नैरो हो गए हैं, वो मतलब उनमें स्पेस कम हो गया. ठीक है, तो जो स्पेस कम हुआ है ब्रोंकाई में वो किसकी वजह से? ब्रोंकोस्पाज्म एडिमा की वजह से है. ठीक है, ऑफ ब्रोंकियल म्यूकोसा एंड थिक स्टिकी म्यूकस इन द ब्रेकियल लूमेन. या तो म्यूकस फंसा हुआ है जिसकी वजह से एयर ढंग से जा नहीं रही है. ठीक है, या वहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म या एडिमा हो गया, वो जगह सूज गई है, तो उस वजह से भी ब्रोंकियल आस्थमा हो सकता है. ठीक है, द पेशेंट विद ब्रोंकियल आस्थमा हैज़ हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रोंकाई विच कंस्ट्रिक्ट्स ड्यू टू द एलर्जन फिजिकल एंड केमिकल इरिटेंट्स इन्फेक्शन साइकोलॉजिकल एंड हेरिडेटरी फैक्टर. अब जो ब्रोंकियल आस्थमा के पेशेंट है उनका जो ब्रोंकाई होता है वो हाइपर एक्टिव होता है.
ठीक है, वो ओवरवर्क करता है, ठीक है, तो वो हो जाता है कंस्ट्रिक्ट, वो दब जाता है। किस वजह से दब जाता है? या तो कोई एलर्जी हुई है, कोई या फिजिकल या केमिकल इरिटेंट लगा उस पर, या इन्फेक्शन हुई है, या कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है, या कोई हेरिडिटरी जन्मजात की कोई बीमारी है, ठीक है। फिर आती है हमारे पास टर्म एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या होता है? लैक ऑफ प्रॉपर पल्मोनरी वेंटिलेशन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, कि मतलब हमें प्रॉपर पल्मोनरी वेंटिलेशन नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर भी पेशेंट है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। फिर आती है हमारे पास कंडीशन हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें टिश्यू है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जो भी हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है प्रॉपरली, तो कंडीशन हो जाती है कौन सी? हाइपोक्सिया, ठीक है। फिर है हमारे पास एकदम डिज़निया। अब डिज़निया क्या है? पुअर पल्मोनरी वेंटिलेशन। डिज़निया होता है सिंपली अगर बोले डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है। तो पुअर पल्मोनरी वेंटिलेशन है, दैट मीन्स ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है लंग्स और टिश्यू को, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर आता है हमारे पास एपनिया। एपनिया क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। वही है एपनिया हमने यहाँ पढ़ा था ना, ये रहा, कि एपनिया मतलब बिल्कुल भी सांस नहीं आएगा, वो वाला स्टेज। हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया क्या है? जब आर्टरियल हमारे आर्टरीज में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन की टेंशन हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सीमिया, ठीक है। फिर है हमारे पास हाइपरकैपनिया। हाइपर मतलब ज़्यादा और कैपनिया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे डिक्रीज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इंक्रीज़ इन आर्टरियल कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरकैपनिया। क्या बोलते हैं? हाइपरकैपनिया, ओके। सो दैट्स इट, दिस इज द चैप्टर रेस्पिरेटरी, ओके। सो होप आपको समझ आ गया हो अच्छे से। अगर कुछ भी नहीं आया तो आप डाउट में पूछ सकते हैं। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।